गुड मॉर्निंग क्लास, दिस द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो टॉपिक इज दिस द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो ये देखते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरह अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही थी। ये 1789 की रेवोल्यूशन की कहानी है। तो देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रो एंड सो डिड द डिमांड फॉर ग्रेन। तो मेन जो पॉइंट है कि फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उसी तरह ग्रेन की डिमांड भी बढ़ी, यानी अनाज की डिमांड भी बढ़ी थी। द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड। तो रिच और पुअर के बीच का गैप था वो बड़ा होता गया, वाइडेंड मीन्स बहुत बड़ा होता गया। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो इससे क्या हुआ, जब रिच और पुअर का गैप बढ़ता गया तो इसने आजीविका संकट पैदा कर दिया। सब्सिस्टेंस मीन्स क्या होता है, आजीविका, रोजी रोटी। तो जिससे लोगों का रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और गरीब बहुत गरीब हो गया और पुअर बहुत पुअर। अब देखते हैं द ग्रोइंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास किस तरह ग्रो हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो ग्रोइंग मिडिल क्लास में क्या था, दिस स्टेट वाज एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो ये जो स्टेट था, इससे पहले हम देखिए थ्री स्टेट की बात कर चुके थे। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी थे, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी थे, थर्ड स्टेट बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट, आर्टिसंस, लैंडलेस, लेबरर्स, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो ये थ्री स्टेट बात कर चुके थे। तो ये जो स्टेट था एजुकेटेड, दिस स्टेट वाज एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट। तो ये एक शिक्षित समाज जो था वो विश्वास करता था कि नो सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो किसी भी समाज को जन्म के आधार पर जन्म से अधिकार ना मिले। तो सेकंड जो पॉइंट है, दीज आइडियाज वर पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर्स। तो ये सब विचार जो थे फिलोसफर्स के द्वारा आगे लाए गए। नेम्ड लॉक, इंग्लिश फिलोसफर थे जॉन लॉक एंड रूसो, ये फ्रेंच फिलोसफर्स थे। तो ये विचार सामने लाए गए कि जो भी एजुकेटेड सोसाइटी थी कि सभी को जन्म से अधिकार जो भी है वो फिनिश किए जाएं, कि जन्म से आपको जो अधिकार मिला हुआ है और पुअर पर्सन्स का शोषण करते जा रहे हैं कंटिन्यू और हमें राइट्स नहीं मिलते। ये डिमांड किसकी थी, थर्ड स्टेट के एजुकेटेड पर्सन्स की। थर्ड जो पॉइंट थे, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिविजुअल राइट्स की जो गारंटी थी वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पोलिटिकल थ्योरीज ऑफ फ्रांस। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गारंटीज दी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट्स में, तो पॉलिटिकल थ्योरीज, फ्रांस की पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला। फोर्थ जो पॉइंट है, दीज आइडियाज वर डिस्कस्ड इन। अब ये सब विचार थे ना जो समाज सुधारक थे, इन सभी के विचार डिस्कस किए जाते थे इन सैलून्स, हेयर कटिंग शॉप को कहते हैं सैलून्स, एंड कॉफी हाउसेस, स्प्रेड अमंग पीपल। ये विचार लोगों में फैलने लगे थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये थिंकिंग्स लोगों में पहुंची। तो ये देर आर इवन रीड अलाउड, और कुछ ऐसे विचार थे जोर जोर से पढ़ कर के लोगों को सुनाए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं। बात मेन यहाँ पर थी ऊपर कि सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। तो जन्म सिद्ध अधिकार किसी समाज को ना दिया जाए। अब इस क्यों फोकस किस पर था, जो क्लर्जी थे, पादरी लोग, साधु संत सामंत जिनको जन्म सिद्ध अधिकार था, उन्हें ना कोई टैक्स देना था, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, ऐसी नोबिलिटी। तो इन दोनों सोसाइटी के पास जो जन्म सिद्ध राइट था उसे खत्म करने की बात थी और ये बात पूरे देश में फैल रही थी, ऑल पीपल से अवेयर हो रहे थे। क्लास सेकेंड वीडियो इज कंटिन्यू द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन किस तरह छिड़ी, आउटब्रेक होता है ओपनली खुल करके सामने आना, तो किस तरह रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुई। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस। फ्रांस की क्रांति क्या है, अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ी थी। व्हेन लुईस 16th बिकेम किंग ऑफ फ्रांस, जब लुईस 16th फ्रांस के राजा थे 1774 में, जब राजा बने थे वो, ही इनहेरिटेड अ ट्रेजरी विच वाज एम्प्टी। उन्होंने एक ऐसा खजाना कब्जे में लिया था, यानी ऐसा खजाना उन्हें मिला था जो कि एम्प्टी था। तो लुईस 16 राजा बना, उससे पहले के राजा ने खजाना खाली कर दिया था।
ठीक है, तो एक खाली ट्रेजरी मिली थी उनको। देर वॉज ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम यानी कि पुरानी शासन व्यवस्था में, सोसाइटी में के लोगों में एक बहुत बढ़ता हुआ डिसकंटेंट था, यानी कि एक असंतुष्टि थी उस पुराने राजा के खिलाफ। अब यहाँ पर डेट वाइज देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। 1789 कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, द थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली। तो स्टेट जनरल का कॉन्वोकेशन हुआ और थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली बनाई। द बस्तिल इज स्टॉर्म, बस्तिल के किले पर स्टॉर्मेड यानी कि धूम मच गई थी, अटैक हो गया था पब्लिक का, बस्तिल के किले पर अटैक किया गया। ठीक है, पीजेंट्स रिवोल्टेड इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में गांव के एरियाज में भी पीजेंट्स ने विद्रोह किए। तो ये 1789 में यहाँ पर फोर लाइन में बता दिया गया पूरी कहानी को कि स्टेट जनरल का निष्कासन होना, थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली बना ली अपनी अलग, बस्तिल किले पर अटैक हुआ, पीजेंट रिवोल्टेड इन द कंट्री साइड, गाँव के एरियाज में भी किसानों ने विद्रोह कर दिए थे। 1791 की कहानी पर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से क्लास आप देखिए नेक्स्ट वीडियो में पहुँचेंगे हम, वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो लोड करना मुश्किल होगी, ठीक है।